खुशखबरी है कि हमारे प्रधानमंत्री आज इस शुभ अवसर पर इधर पहुँचे हैं। कोई 3 महीने पहले मैं मोदी जी को मिला था, हमने उनसे कहा था कि हमारी सोसाइटी एक बड़ी गीता बनानी है, जो सबसे बड़ा ग्रंथ होगा विश्व में, तो हम चाहते हैं कि आप उद्घाटन करो। तो मोदी जी ने कहा था किताब को ले आओ, वो आएंगे। तो मैं सबसे पहले उनका आभारी हूँ, उन्होंने जो कहा था उसका पालन किया है। और मोदी जी की मेमोरी बड़ी शार्प है, आज मिलते ही उन्होंने कहा मैंने अपना वादा पूरा किया है। अभी श्रील प्रभुपाद ने भगवद गीता का अनुवाद सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में किया था, उसका अनुवाद आगे 60 से अधिक भाषा में हो गया है, और सारे विश्व में लोग भगवद गीता को का अध्ययन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का एक आंदोलन है स्वच्छ भारत, ये बड़ा अच्छा आंदोलन है, और गीता के द्वारा आप स्वच्छ हृदय भी प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। अभी मुझे दिव्यतम ग्रंथ गीता के भव्यतम रूप के राष्ट्र समर्पित करने का अवसर मिल रहा है। यह अवसर मेरे लिए और भी खास है क्योंकि मैं उस जगह खड़ा हूं जहां करीब 2 दशक पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस मंदिर परिषद का शिलान्यास किया। साथियों, दुनिया की यह भव्यतम श्रीमद् भगवद गीता 3 मीटर लंबी और 800 किलो की है। इस गीता को बनाने में इस्कॉन से जुड़े आप सभी ने अपना पूरा सामर्थ्य और रचनात्मकता लगाई है। ये गीता भगवान श्री कृष्ण और स्वामी प्रभुपाद के श्रद्धालुओं की भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने तो खुद को भगवद गीता के लिए समर्पित कर दिया था। एक बार फिर इस्कॉन से जुड़े हर भक्त को, हर भारतवासी को इस दिव्य भगवद गीता के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आपने मुझे यहां आमंत्रित किया, इस पवित्र अवसर का भागीदार बनाया, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।